तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होंडा पंप स्टार्ट करके दिखाने वाला हूं और समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका प्रोसेस क्या है स्टार्ट करने का। अगर ये प्रोसेस आप जान जाते हैं तो चाहे आपके पास कोई भी मॉडल क्यों ना हो, आप उसे बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों ना आपके पास चाइना पंप हो, कोई भी रस्सी खींचने वाला पंप हो, आप उसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द पहुंचे और उस वीडियो को आप देख पाएँ। मेरा नाम है अजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल टेक ट्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। होंडा पंप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये चाबी देना होता है, जैसे मोटरसाइकिल में आप देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिलता है, आप इसे ऑन कर देंगे। पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा आपका है कि आप जब गाड़ी को, कोई भी मोटरसाइकिल को आप कैसे स्टार्ट करते हैं, सिंपल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ। मोटरसाइकिल ऑन करने से पहले आप मोटरसाइकिल में चाबी देते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कि उसका तेल को जो है ऑन करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेल ऑफ़ और ऑन का बटन मिल जाता है। तीसरा अब आता है आपके पास कि इसमें चॉक दिया जाता है। आपकी गाड़ी मान लेते हैं कि 10 दिनों से बंद है, 5 दिनों से बंद है, या आपकी नई गाड़ी है तो आपको चॉक दे के ही स्टार्ट करना होगा। तो इधर आप करते हैं तो ये चॉक दे दिए आप। उसके बाद चॉक देने के बाद ये चौथा है कि इसमें एक्सीलेटर का काम ये करता है। ये अगर इधर करते हैं तो आपका एक्सीलेटर कम है, और ये करते हैं तो एक्सीलेटर ज़्यादा है। तो ये पानी जब आप निकालते हैं पंप से तो उस पे आपका ये काम करता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले तेज़ ही रखना होता है, एक्सीलेटर फुल दे के रख दीजिए, ताकि आपका एक बार में स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करने के बाद इसे कम भी कर सकते हैं, आप कितना पानी निकालना चाहते हैं पंप से उसके आधार पे आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कछुआ खरगोश का भी सिम्बॉल दिया गया है प्रतीक, ताकि आप इधर रखते हैं इस साइड तो आपका ये स्लो मोशन है स्लो, और इस साइड है फास्ट मोशन। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंजन की गति इस पे निर्भर करती है, और ये स्टार्टर का काम करती है। यानी आप जैसे गाड़ी में किक मारते हैं कोई भी मोटरसाइकिल में, सेम उसी तरह का है, ये आपको खींचना होता है और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को इन सब बातों को फॉलो करना है, उसके बाद आपको ये खींचना है। तो चलिए मेरा सब कुछ मैं चेक किया हुआ है कि गाड़ी का चाबी ऑन है, यानी जो स्विच है वो ऑन है। दूसरा ये देखना है कि आपको तेल ऑन है। तीसरा आपका चौक दिया हुआ है, और चौथा एक्सीलेटर स्पीड में है। तो चलिए गाड़ी को अब स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको खींचना होता है, आप यहाँ देख सकते हैं इसको खींचना है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है, और इसे हम कम चौक को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आप चौक को आप लोगों को ऑफ कर देना है, उसके बाद आपको एक्सीलेटर कम देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना कम देंगे एक्सीलेटर उतनी गाड़ी स्लो चलेगी, उतना कम पानी देगा आप लोगों का। ऑफ़ करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको चाबी को ऑफ़ कर देना है यहाँ से। यानी आप गाड़ी में जिस तरह चाबी आप निकाल देते हैं, चाबी ऑफ़ करते हैं आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, सेम वही प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर ऑफ़ कर देता हूँ। तो यही प्रोसेस है इस होंडा पंप को स्टार्ट करने का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास आई बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और उस वीडियो को आप लोग देख पाएँ। आज के लिए बस, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।